ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? हम वृंदावन से गुजर रहे हैं। ये आवाजें अवश्य ही श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्रों की हैं, जो यहीं वनों में अक्सर खेल क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हाँ, वृंदावन और कृष्णा बलराम के हमने कितने ही किस्से सुने हैं। हम भी उनकी क्रीड़ाओं में शामिल होना चाहते हैं। रथ यहीं रुकाइए। देव बालक हैं कृष्ण और बलराम, क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर चलो, झटपट छिप जाओ, देखे तो तुम मुझसे कितनी देर छिप पाते हो। मैं आ रहा हूँ। मैं इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, राधा मुझे पकड़ नहीं पाएगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। शायद तुम जानते नहीं हम कौन हैं। जानते हैं कि तुम कौन हो, इसीलिए तो पकड़ा है। देवों तक ये शुभ संदेश मैं लेकर जाऊंगा। काना, इन पुष्पों को स्वयं मैंने अपनी पुष्प वाटिका में लगाया है। देखो, है ना ये बहुत सुंदर। हाँ राधे, वसंत की ऋतु में देखो भूमि कितनी खूबसूरत हो जाती है। सत्य कहा कान्हा, ये दृश्य कितना सुंदर है। पर कान्हा अभी चलो, हमें गैया चराने ले जानी है। हाँ चलिए बलदाओ। बलदाव, जब राधा ने माखन का खाली बर्तन देखा तो उसका मुंह देखने जैसा था।
कान्हा, जब हमने राधा से कहा कि माखन बिल्ली मौसी खा गई, तो भोली राधा मान भी गई। भोली राधा। ये हुआ कैसे? माधव तो तुम्हारे साथ ही खेल रहा था, फिर वो कैसे गायब हो गया? पहले दो बच्चे और अब माधव। वृंदावन में ये कौन सी आपत्ति आ पड़ी है? ये बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं? कौन ऐसा कर रहा है और बच्चों को कहां ले जा रहा है? तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। तुम यहाँ बच्चों के साथ हमारी प्रतीक्षा करो माधो, मैं और बलदाव उस दुष्ट राक्षस को परास्त करके आते हैं, फिर हम सब एक साथ वृंदावन लौटेंगे। कृष्ण बलराम आ गए। मुझे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। चिंता ना करें पिताजी, सभी बालक बिल्कुल ठीक हैं। मेरा लाल, मेरा बच्चा, कान्हा मेरे बेटे को लौटाकर तुमने मुझे मेरा जीवन लौटा दिया। सच में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृंदावन में खिलखिलाहट लौटाई हो। आपके ही आशीर्वाद से पिताजी। राधा भी आ गई, अब तो हम सब मिलके बगीचे में खेल सकते हैं। हाँ, अब तो कोई वृक्षासस भी हमें पकड़ नहीं पाएगा। इस बार आशा है कोई नई परेशानी नहीं आएगी।